हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और सबसे पहले तो जो नए लोग हैं पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर अभी अगर देखें तो कल ही मैंने बोला था और इसके पहले भी मैंने जो बोला था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर तेज़ी और मंदी कब कब आती है। तो जो है कई बार जो है इसके अंदर मैंने बताया था। सबसे पहले तो अभी आज अगर देखें तो 650 रुपये का एक लो बनाकर एक अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी आई। ऑलमोस्ट ये 5% के अपर सर्किट के आसपास ही इसके अंदर क्लोजिंग रही तो प्राइस के अंदर। और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अगर देखें तो काफ़ी दमदार है। आज भी ये वॉल्यूम छोटा मोटा नहीं है, 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 शेयर जो है इसके ट्रेड हुए। अच्छी खासी डिलीवरी उठी है इसके अंदर, तेज़ी की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। तेज़ी कहाँ पर आ सकती है, इसका 50% का रिट्रेसमेंट भी जो है हम देखेंगे, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो कहाँ तक ये तेज़ी जा सकती है वो भी हम देखेंगे। अभी अगर देखें तो सवेरे मॉर्निंग में जब वीडियो बनाया था तब इसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन ये वॉल्यूम इतना फिर से ये जो है बढ़ गया है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में, इस जोन में मैंने पहले भी बोला था कि एक डिमांड एरिया है 650, 600 और 700 रुपये। तो अच्छी बात है यहाँ से जो है वापस से एक बाउंस बैक आया है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूँ मेरे व्यूअर्स को कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो एड आती है उसके ऊपर जो है आप क्लिक किया कीजिए, तो इससे जो है एक सपोर्ट मिलेगा जो हमें मिलेगा। कुछ रेवेन्यू मतलब कि खर्चे होते हैं, क्योंकि मैं प्रीमियम ऐप जो है यूज़ करता हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, तो वो खर्चे जो है वो निकल जाते हैं। तो मतलब कि उससे जो है एक अच्छी खासी जो है हेल्प हो जाएगी। तो ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अभी अगर देखें तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो कल और परसों तो मैंने बोला ही था, वो शायद आपको पता ही होगा कि इसके अंदर आप गिरावट की संभावना कम है और ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक महीने पहले की बात है, जब ये 800 रुपये के ऊपर था तब मैंने क्लियरली बोला था। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा और जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि अब कल से तेज़ी आ सकती है, लगता है तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है। तब एक महीने पहले की बात है जब ये 800 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये तक गया था, 990 रुपये का एक जो है इसने हाई बनाया था। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये डे बाई डे आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना बड़ा है, ये 950 रुपये, ये और ये यहाँ पर गया तब 990 का हाई बनाया, वापस से जो है इसके अंदर गिरावट भी आना शुरू हुई थी। तब भी मैंने बोला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं तब इसके रिजल्ट आए थे, ये 4 हफ्ते पहले की बात है जब इसके रिजल्ट आए थे। क्लियरली मैंने बोला था कि रिजल्ट जो है वो ना अच्छा है ना बुरा है, ये जो है मिक्स्ड है रिजल्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अलर्ट रहने के लिए मैंने बोला और प्राइस के अंदर जो है गिरावट आना शुरू की। और जब ये 930 के ऊपर था क्लियरली मैंने बोला था, यहाँ पर आप देखें तो सतर्क रहे, गिरावट की संभावना है, चिंता लग रही है। और ये 930 रुपये से घटकर सीधा तभी अगर देखें तो 633 के जो है इसने एक लो बनाया था जब सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई थी। और तब भी मैंने बोला था कि अब जो है ये 600 रुपये के आसपास का जो प्राइस है, 600 से 650 रुपये, वहाँ से जो है इसके अंदर अब जो है फिर से जो है एक तेज़ी आ सकती है। और आप प्राइस ज़रा देखिए जो गिरावट का है, डे बाई डे आप अगर देखें तो ये 872 रुपये और वहाँ से घटकर ये 633 रुपये तक चला गया था। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो लोग नए हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन के ऊपर, अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो अगर आप खुशी खुशी अगर शेयर करना चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब के बटन के नीचे जो है जो थैंक्स का बटन है वहाँ से जो है अपना प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। और ये मैं ये भी बता दूं कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है, कभी कभी हमारा प्रिडिक्शन सही होता है, कभी रॉन्ग भी हो जाता है। तो मतलब कि लेकिन एक्यूरेसी जो हाई होती है उन्हीं की बात है। तो फिलहाल अभी देखें तो हमारी एक्यूरेसी 70% से भी ज़्यादा है अगर देखें तो यहाँ पर ये भी एक बात है जो लोग आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये जो है शॉर्ट वीडियो है जो कि कल मैंने पोस्ट की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अंदर PNB हाउसिंग जो कि 6% तेज था, 516 के ऊपर इसने ओपनिंग हुई थी और 543 रुपये का इसने हाई बनाया था। ये तो अगर देखें तो इससे भी 8 रुपये ऊपर। और ये परसों का शेयर मनकसिया, इसके अंदर भी अगर देखें तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आप जो है दो स्टेप में अगर बाय करते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने इसको शेयर किया था 162 के ऊपर, फिर 152 के ऊपर आया, फिर इसके अंदर जो है तेज़ी आई और 172 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो थैंक्स का बटन है वहाँ पर अगर आप खुशी खुशी चाहे तो अपने मतलब कि प्यार से जो है आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कि 40 रुपये से जो है शुरुआत होती है वहाँ पर, बाकी मर्ज़ी आपकी है, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर अभी देखें तो आज का कारोबार देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी 44,00,000 की जो है डिलीवरी हुई है आज के दिन की। अगर सिर्फ बात करें कल इसके अंदर 2 करोड़ प्लस की डिलीवरी हुई थी, आज भी तकरीबन ये 45,00,000 की डिलीवरी है। और वो भी अगर देखें तो परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो कम है, लेकिन अगर यहाँ पर अभी देखें तो तकरीबन ये पहले अगर देखें तो आपकी मैं बताऊँ NSE के ऊपर तो आप खुद देख सकते हैं कि कल इसके अंदर 2 करोड़ की डिलीवरी हुई। और यहाँ से अगर शुरुआत करें तो अच्छी खासी 3 करोड़ के आसपास की टोटल जो है डिलीवरी हुई थी। और आज भी जो है 45,00,000 के आसपास की, तो 3.5 लाख की डिलीवरी उठी है इन तकरीबन 7 दिनों के अंदर। काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई थी तब भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ था 50,00,000 के आसपास का 2 दिन के अंदर ही। तो ये जो जोन है जो मुझे दिख रहा है ये 600 से लेकर 650 मान लीजिए या फिर 700 तक का ये जोन है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ये बॉटम आउट यहाँ पर होने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि। और मैं ये बार बार बोल रहा था कि यहाँ पर जो है एक वैल्यू बाइंग है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ भी अच्छी खासी यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो अभी इसका वैल्यूएशन जो ज़्यादा दिख रहा है वो धीमे धीमे उससे मैच होता जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि
ट्रेडिंग के लिहाज से जो है ये कंपनी बहुत ही जो है बढ़िया है। जो वोलेटिलिटी वाली कंपनी होती है उसी के अंदर ट्रेडिंग करने का मज़ा आता है, बाकी कुछ सुस्त शेयर अगर पड़े रहे तो उसमें कुछ ट्रेडिंग करने का मज़ा आता नहीं है। अब देख लेते हैं इसका 50% का जो कि रिट्रेसमेंट, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं काफ़ी कुछ आपको नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो इसने ये रैली के अंदर जब यहाँ से आई थी तो हाई जो बनाया था 823 रुपये, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गिरावट आई उसका जो है रिट्रेसमेंट होता है 50%, 33%, 67%। तो वहाँ अब ये रेजिस्टेंट जो है वहाँ पर जो है एक जो है एक यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। और अभी फिलहाल यहाँ पर देखें तो ये 823 से घटकर आज अगर देखें तो इसने जो लो बनाया 650 रुपये का, मतलब कि 173 रुपये के आसपास की गिरावट आई, ये वन वे गिरावट थी। तो अब इसका 50% कितना होगा, अगर राउंड फिगर नंबर देखें अगर गिनें तो 85 रुपीज़। अब इस 85 रुपीज़ को 650 रुपये से अगर आप जोड़ दो तो तकरीबन ये जो है 735 रुपये का प्राइस है। तो सबसे पहला इसका रजिस्टेंट ये इसके आसपास जो है रजिस्टेंट फेस कर सकता है। अब आप इसके अंदर 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो सबसे पहला रजिस्टेंट ये है, उसके बाद देखें तो 67% और 75%, तो मतलब कि एक तिहाई इसका कितना होगा, तो वो तकरीबन होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 120 रुपये हो सकता है, क्योंकि ये 180 रुपये के करीब करीब ही है। तो एक राउंड फिगर नंबर इसको आप अगर गिने तो ये जो दूसरा इसका रजिस्टर 770 रुपये के आसपास आ सकता है। तो ये सारे का सारे एक आइडिया से ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, 735 और 770 रुपये। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है ये तीनों के तीनों मूविंग एवरेज, जो कि फास्ट मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं, तो ये भी जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर भी एक जो है रजिस्टर का आइडिया मिलता है और ये काफ़ी मायने भी रखते हैं, ये भी बात जो है आप नोटिस करके रखिए। और ये हर दिन चेंज भी होते रहते हैं। और आगे हम देखते हैं इसका, अभी देखें तो बोलिंजर बैंक क्या कहता है, वो भी मैंने कल बोला था कि ये बोलिंजर बैंक की लाइन जो कि 623 रुपये का उसका लेवल है, तो ज़्यादा गिरावट अभी इसके अंदर है नहीं, 650 आज उससे 25 रुपये ही दूर जो है ये इसने एक बॉटम बनाया और अभी ऊपर भागा है। साथ ही साथ ये RSI के ऊपर आज अगर कल अगर देखें तो ये ओवरबोर्ड के जोन में इसी के आसपास था, इसी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा गिरावट की संभावना है नहीं। अभी साथ साथ अभी आज देखें तो ये 37 के ऊपर है, तो ये भी अच्छा बात है कि इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ दिख रही है। और यहाँ पर अभी इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, इससे जो है ये मालूम पड़ता है कि आज पूरे दिन हुआ क्या। तो सवेरे अगर देखिए तो एक नीचे में बॉटम बनाकर अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली, और पूरे दिन अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है एक ऊपरी लेवल के ऊपर ये इसके अंदर एक खरीदारी बनी रही। साथ ही साथ इसके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो और भी अच्छा जो है यहाँ पर एक जो है देखने को मिलेगा कि ये नीचे से ऊपर गया और पूरे दिन यहाँ पर एक जो है ये डटा रहा, बना रहा। और तकरीबन यहाँ पर अगर देखें तो 670 से 675 के आसपास अगर देखें तो अच्छा खासा अभी सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें नीचे में बिल्कुल उसी लेवल के आसपास जो है इसके अंदर बाइंग आती जाती है। और ये इसका वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये 766 रुपये जो कि 770 हमने देखा इसका 67% का रिट्रेसमेंट, उसी के आसपास इसका 5 वीक का मूविंग एवरेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई लोग ऊपर के लेवल के ऊपर भी फंसे हुए हैं, तो ये वहाँ तक भी जा सकता है 900 से 1000 रुपये तक, लेकिन पहले ये छोटे छोटे जो रजिस्टेंट है उनको ये इनको पार करना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम है आप खुद देख सकते हैं कि अगर वीकली चार्ट में भी अगर देखें, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी इतने वॉल्यूम नहीं थे जितने पिछले इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि इसी हफ्ते में थे। साथ ही साथ पिछले 2 हफ्ते में भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी। तो एक्यूमुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर है इसके अंदर। और मंथली चार्ट के ऊपर भी हम देखें तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आज पहले ही एक दिन की यहाँ पर शुरुआत है इस मंथ की, और यहाँ पर 2021 का ये जो एक मतलब कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था तकरीबन 770 रुपये, यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है, तो वो भी एक छोटा सा यहाँ पर रजिस्टर आगे मिल सकता है इसको। अब ये डेली चार्ट है तो इसके अंदर साथ ही साथ एक चीज़ और सवेरे जो कि मैंने बताई थी, यहाँ पर इसने जो ये कैंडल बनाई है बुलिश एंगलफिक कैंडल है, तो इससे जो है तेज़ी आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही कैंडल बनी थी, ये इसको कहते हैं बुलिश एंगलफिक कैंडल, जो कि मैंने मॉर्निंग में इसको बताया था कि ये जो मंदी की जो कैंडल है पिछली कैंडल पिछले दिन की उनको जो है ये पूरा का पूरा निकल गया। बुल और बेयर्स की अगर फाइट आप देखेंगे तो मतलब कि अपने आप में समा गई, बेयर्स को जो है बुल्स जो है पूरे अपने आप में समा गए, तो इसी कैंडल को जो है ये बुलिश एंगलफिक कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी भी आई थी, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर भी दिख रही है। साथ ही साथ एक चीज़ और है जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि अभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ इसके अंदर आ नहीं रही है और बैड न्यूज़ कोई भी अभी बाकी नहीं बची, तो इसी वजह से और काफ़ी ज़्यादा ये गिर चुका है, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है तेज़ी आना एक लाजमी है और कोई भी रीज़न नहीं है इसको कि नीचे में लिए आए, तो इसी वजह से जो है इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है अभी भी। और हाँ, कुछ अगर सरप्राइजिंगली कुछ न्यूज़ आए तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डेली इसके ऊपर हम अपडेट लाते रहते हैं, कल मॉर्निंग में भी इसके ऊपर अपडेट लाएंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और यहाँ पर अभी सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट जो दिख रहा है अभी इसका प्राइस 700 के करीब है, जैसे कि हमने देखा 775 का जोन, उसके बाद देखें तो 650 रुपये, सबसे पहले 675 का जोन 650 रुपये जो कि आज का लो है, और उसके नीचे अगर देखें तो 630 रुपये, क्योंकि वहाँ पर भी इसने जो है एक ये 52 वीक एक लो यहाँ पर बनाया था। साथ ही साथ अभी रजिस्टर की बात करें तो 730 रुपये, उसके बाद देखें तो 750 और 770 रुपये का जोन, जो कि तीनों के तीनों जो है एक्सप्लेन भी
ने किया कि ये रजिस्ट्रन क्यों दिख रहे हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इन तीनों रजिस्ट्रन को भी ये पार कर ऊपर निकल सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन सारे रजिस्ट्रन को देख सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय किया है तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन ये 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन टाइम लग सकता है। और जैसे जैसे पुराने इन्वेस्टर इसके अंदर से मतलब कि हट जाएंगे, नए बायर्स आते जाएंगे, तब तक ऐसे ऐसे जो है शेयर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल है, प्रॉफिट और रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे, इसके प्राइस के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही हमने देख लिए, और आज के वीडियो में इतना ही। कल मॉर्निंग को फिर से लाइव मार्केट के ऊपर भी है जो हम वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो थैंक्स का बटन है उसके वो भी अगर आप देखें चाहे तो मतलब कि वहाँ पर आप थैंक्स कह सकते हैं उस तरीके से जैसे कि मैंने बोला आपको। बाकी मर्जी आपकी है, दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर भी जरूर करें, और एड के ऊपर जो है क्लिक जरूर किया करें। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।